हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्याज और मलाई की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये बहुत खाने में टेस्टी लगती है, पनीर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मलाई है नॉर्मल जो घर में होती है दूध वाली, वही है। 2 दिन की ये मलाई है और इसी से मैं बनाऊंगी और बहुत जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इधर इंडक्शन पर हमने कढ़ाई रख दी है। ये सरसों का तेल है और ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो मलाई ही वैसे भी है। 1 चम्मच जीरा और ये 1 चम्मच पोस्ता दाना है, जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये कुछ कलियां लहसुन के हमने ली हैं, उनको भी डाल देते हैं। और 1 हरी मिर्च, 1 लाल मिर्च, 2 मिर्च लिया है। और इसमें बहुत सामान भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन के भी तैयार होती है। और ये जो हमने लच्छू में प्याज कट करके रखा था, 4-5 प्याज ले लिया था, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि खाने भी चाहिए हमें मलाई। इसको मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए, प्याज को हमें यहाँ पे भूनते 4-5 मिनट हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसको पकाना है। अब जो ये हमने हरा प्याज रखा था कट करके, ये पत्ती है हरे प्याज की, ये मैंने अपने छत पे ही लगा रखी है, वही पत्ती है, मैं तोड़ के लाई थी और देखने में भी अच्छा लगता है। और प्याज और मलाई की ये सब्जी ही है। देखिए, अब इतना पक चुकी है सब्जी। प्याज बहुत नहीं पकाना है। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती है। और सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं, इसमें अच्छे से पका लेते हैं। प्याज तो ऐसे ही भुनते भुनते पक जाएगा। और स्वाद अनुसार नमक को भी मिक्स कर देते हैं इसमें। ये इतनी टेस्टी लगती है, इसके आगे पनीर भी फीका पड़ जाएगा। बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। मेरे बच्चे तो अक्सर कहते रहते हैं, मम्मी बनाइए। ये देखिए, मलाई भी हमने डाल दी है और मलाई सबके घर में दूध आता ही है, कोई अलग से हमें कुछ नहीं लेना है, बस कुछ घर के सामानों से ही ये बन जाती है और बहुत जल्दी भी बनती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। 1 की जगह आप 4 रोटी खाएंगे, इतना अच्छी लगती है। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, 4-5 मिनट इसको ऐसे पका लेते हैं, थोड़ा मलाई भी पक जाए। देखिए, ये बन चुकी है। लगभग ऐसे मिक्स करते रहेंगे, ऐसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो तले में लग जाएगी। ऐसे चलाते रहना है। अब सब्जी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितना बढ़िया लग रही है देखने से ही। और चलिए, अब 1 थाली में सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो रोटी, पराठा, पूड़ी, जिसके साथ भी खानी हो, चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, सब्जी बनके तैयार है, मैंने थाली में सर्व कर ली है। देखने से ही कितना बढ़िया लग रही है। और आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।